हे एवरीवन, मैं हूँ पाखी और आप सबको स्वागत करती हूँ मेरी चैनल पाखीज फूड हब में। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस एक रेसिपी और वो है मटन मसाला। आज हम ढाबा स्टाइल मटन मसाला बनाएंगे और बहुत इजी वे में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी और देखते हैं मटन मसाला बनाने के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 किलो तक मटन लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट एंड 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल एंड 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून जीरा और 2 इंच तक दालचीनी, 3-4 लौंग और 7-8 ड्राई रेड चिलीज। और हम ऐड करेंगे 2 बे लीव्स, इसको हमने फाड़ लिया है। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइस किया हुआ 1 कप अनियन। अब हम इसको मिक्स करके इसे फ्राई करना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा पिंकिश हो जाए हमें तब तक ही इसको फ्राई करना है। ये थोड़ा फ्राई हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच अनियन का पेस्ट। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये लगभग फ्राई हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। ऐड करने के बाद हमें इसे मिक्स कर देना है। मिक्स करके हमें इसको बहुत अच्छी तरह से पका लेना है। मसालों में से ऑयल छूटने लगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप चॉप किया हुआ टमाटर। इसको हम मिक्स करके थोड़ी देर फ्राई करना है। ये थोड़ा सा नरम हो जाए फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मटन। ये 1 घंटा हो गया है, इसको हम ऐड करके इसको हमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमें इसको इस तरह से मीडियम फ्लेम में छोड़ देना है। थोड़ा ये पक जाए फिर हम इसको ढक के 1/2 घंटे के लिए इसको हमें छोड़ देना है। आफ्टर 30 मिनट्स देखिए ये थोड़ा बहुत हो चुका है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर एंड 1 टेबलस्पून मीट मसाला पाउडर। ऐड करने के बाद हमें इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमें हाई फ्लेम में इसको इस तरह से छोड़ देना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दही, ये घर पे बना हुआ दही है। दही ऐड करने के बाद हमें दही को मिक्स कर देना है। इस वक्त अगर आपको लगे कि आपको सॉल्ट की ज़रूरत है तो आप इसमें थोड़ा और सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको ढक के मीडियम फ्लेम में इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। देखिए आफ्टर 30 मिनट्स ये कितना बढ़िया लग रहा है और इसमें से ऑयल भी छूटने लगा है। लगभग ये हो चुके हैं। अगर आपको लगते हैं कि नहीं हुआ है फिर आप थोड़ी देर और पका लें। देखिए तैयार है हमारा मटन मसाला ढाबा स्टाइल। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स। इसको ऐड करके हमें इसको मिक्स कर देना है। अब ये एकदम परफेक्ट तरह से तैयार है। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू रेसिपीज़।
और अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।